सभी जुबां हैं हम हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो भाई आज थोड़ा मौसम सही है, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लेना है करवा चौथ का सामान। यार कुछ भी नहीं लाई हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब दो तीन दिन से ऐसी हो रहा, बारिश हो रही, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। तो मैंने सोचा यार कल का दिन बचा है तो आज मैं थोड़ा शॉपिंग करके लाती हूँ। चूड़ी ये सारी चीज़ें लेनी है, बिंदी वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, तो वो सारी चीज़ें लेनी है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और उसके बाद लाऊँगी क्या क्या सामान लेना है मुझे सारी चीज़ें। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, टाइम भी बज गया है, 11 बज रहा है। तो देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है। वैसे थोड़ा मैं सोच रही थी, इधर इधर मेरे पूरे बाल वाइट वाइट से हो गए, तो मैं सोच रही थोड़ा बालों को कलर करवाऊँगी यार। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, अभी थोड़ा मौसम भी सही हो रखा है, बारिश आने को हो रहा है। यार इस बारिश ने तो दिमाग ख़राब ही कर लिया, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बस करवा चौथ को ना हो भाई, करवा चौथ को अगर ऐसे बादल लगेंगे ना तो सब कुछ, मतलब तब पता नहीं कब चाँद निकलेगा। मतलब पिछली बार हुआ था ऐसा, मतलब करवा चौथ को बारिश आ गई थी तो बादल आ गए थे, तो फिर 11 बजे तक चाँद ही नहीं आया। तो मतलब मज़ा भी आ रहा था, पर बहुत टाइम तक वेट करा था लोगों ने। तो अभी चल रही हूँ मार्केट में, क्या क्या लेती हूँ तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी, घर आके दिखाऊँगी क्या चीज़ ली मैंने क्या नहीं ली है। देखो कुछ देर बाद। कहाँ है? अरे पिंक कलर का था यार भाई। कौन सा है? क्या ये लड़की, ये वाले कितनी की है? ये कहने नहीं रहा, 10 के बड़े वाले के 5 ये हैं, 3 ये हैं, बाल नीचे से कलर कर रखे हैं। ऐसे है उसके बाद, हां ऐसे खावा तो झूठ बुनिया तो कलर का है। जैसे हम मोरा चैनल जो खंजर हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है, मतलब बहुत भीड़ थी यार मार्केट में ना, और अभी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हो गई है। अभी मैंने सोचा थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ और थोड़ा पार्लर में जाती हूँ, तो और काम मैं कल कर लूँगी। तो बस अभी थाली वगैरह ली है, प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, प्रसाद वगैरह मैं कल लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे नेल पेंट वगैरह सारी चीज़ें देने के लिए भी होती है ना, तो वो सारी चीज़ें देख रही थी, तो वो सारी चीज़ें ले ली मैंने थोड़ी थोड़ी सी। और अगर कोई छूट गई तो फिर वो कल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे और भी सामान लेना है। तो मैंने सोचा थोड़ी बड़ी छोटी बड़ी चीज़ें ले लेती हूँ, बिंदी वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अभी मेरा थोड़ा थोड़ा सामान हो गया है और उसको पैक करूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हेयर टचअप करवा रही हूँ, मतलब कलर नहीं करवाई हूँ, हल्का सा जो मतलब अंदर से थोड़ा बाल वो हो गए होंगे ना, तो उनको मैं थोड़ा सा कलर करवा रही हूँ यहाँ पे। और मेरा पहले से ही कलर था, तो मैंने सोचा यार बाल फिर ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा हल्का सा कलर करवा रही हूँ। इसके बाद बेबी के हेयर भी कट करवाने हैं, बहुत टाइम से टाइम भी नहीं मिल रहा था, मतलब टाइम क्यों नहीं था पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी पहले मैं करवा लूँगी, फिर इसके बाद इसकी हेयर कट करवाऊँगी। और चलो इसके थोड़ा बड़े हो गए ना बाल, तो स्कूल जाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो अभी इसके हेयर कट करवाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा मसाज करवा लूँगी, तो फिर चलेंगे घर। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं 11 बजे आ गई थी, और पता है टाइम कितना हो रहा, अभी 4 बज गया होगा टाइम शाम के, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ना। तो बस यार यहाँ पे भैया ने इसके बाल वगैरह सारे कट कर लिए हैं, अब मेरी बारी है। पहले मैं हेयर वॉश करूँगी, फिर पैक लगा दिया है, तो फिर अभी थोड़ी देर फिर उसके बाद चलेंगे घर। तो मेरा भी हो गया थोड़ी बहुत, और मैं पता 5 बजे आई घर, तो अभी मेरा भी सारा काम हो गया है और यहाँ पे हेयर वॉश हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कोई बाल छूटे तो नहीं है, और ये मेरे बाल धो गए, फिर मैं हल्के से ड्राई कर लिए थे, तो इसके बाद थोड़ा मसाज वगैरह करके फिर आ गई थी मैं 5 बजे घर। तो बहुत टाइम लगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मार्केट से आ गई हूँ, और पता मैं मार्केट कितने बजे चली गई थी, 11 बजे मैं मार्केट गई, और अब जाके मतलब मैं पहुँची हूँ घर पे 5 बजे। और सामान मैंने करवा चौथ की थोड़ी बहुत करी है, मतलब जितना हो सके, अभी पूरा सामान नहीं लाए, और कुछ सामान मैं कल लाऊंगी। आज मुझे थोड़ा मतलब हल्का सा मैंने हेयर टचअप करवाया, मतलब कलर नहीं करवाया, हल्का सा टचअप करवाया है, और थोड़ा मसाज करवाई फेस पे, ग्लो मार रहा कि नहीं मार रहा, मार रहा बेटा ग्लो,
फेसबुक ग्लो मार रहा है, मैंने मसाज करी है और थोड़ी सी मसाज करी है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने शॉपिंग करी है। तो क्या शॉपिंग करी है वो दिखाती हूँ अभी। तो आज मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, मतलब थोड़ी सी करी है, ज़्यादा नहीं करी है। तो जितनी होगी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिखाती हूँ मैं ये, तो ये ली है मैंने थाली और इसके साथ कोटन, तो ये है छन्नी और ये लोटा और ये थाली। ये बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे, तो ये मैंने ये वाली थाली ले ली, बहुत ही अच्छी लग रही है ना, 500 की। और उसके बाद लिया मैंने दो दिए, मतलब एक जो जिसमें ऊपर रखते हैं ना, करवा के ऊपर से रखते हैं, तो ये वाला दिया है उसके, इसके ऊपर ये वाला जलाएंगे जिसमें दीप जलाते हैं ना ऐसे करके, तो ये वाला दिया है ये। तो दो दिए लिए, एक और छोटा भी चाहिए, मतलब जो छत में चांद वो आता है उस टाइम के लिए, और ये मतलब एक जो छत में जलाते हैं ना, तो वो वाला भी चाहिए, पर वो मैं कल लेके आऊँगी। अभी मेरा पूरा सामान नहीं आया, थोड़ा थोड़ा करके। यार इतनी भीड़ लगी थी ना आज मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, तो फिर मैं जहाँ मेरे को जानता पहले ही वहाँ चलेगी और उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाई। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सामान लाई और कल कुछ और लाऊँगी। और तो यहाँ कुछ कुछ सामान मैं देने के लिए लाई थी, कुछ सामान मतलब जो देते हैं ना पूजा होने के बाद जो देते हैं, तो मैं ये लाई थी, बिंदी के पत्ते लाई थी, कुछ कुछ मतलब बहुत सारे, इतने बिंदी के पत्ते, ये वाले जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना, तो ये वाले बिंदी लाई थी। और जैसे मतलब लेडीज़ टाइप की, तो ये छोटी वाली बिंदी, इस टाइप की बिंदी लाई थी, तीन पत्ते ऐसे लाई थी, और एक पूरा डब्बा इसका लाई थी, ये वाली शिल्पा बिंदी बोलते हैं ना इसको, तो ये वाली बिंदी लाई थी, और मतलब नेल पेंट भी लाई थी। और अभी कुछ और भी लाना है सामान बाकी, ये पूरा पैकेट था 10-15 पत्ते, कितनी बिंदी रहती है इसमें मेरे को नहीं पता, पर और ये लाई थी मैं इतने, ये वाली, और ये सारी नेल पेंट वगैरह देने के लिए लाई थी मैं, ये 5 नेल पेंट लाई थी देने के लिए। तो मतलब सबको देते हैं ना, जैसे मोहल्ले में मतलब जैसे पूजा वाले जो भी मतलब सुहाग वाली लेडीज़ होती है तो सबको देते हैं। तो एक में ये भी लाई थी 5, तो ये भी लाई थी, ये भी देने के लिए होता है ना, क्योंकि जब सारी लेडीज़ रहती है तो सबको बांटते हैं जो जो आपके पहचान के होते हैं, तो ये मैं ये भी लाई थी, तो ये भी देने के लिए लाई थी। और एक काजल लाई थी, मेरे पास काजल ख़त्म हो गई थी तो वो काजल लाई हूँ। और अभी मैं इतना ही सामान लाई हूँ, और अभी जो कच्चा नारियल लेना है, नेल पेंट लेनी है, कच्चा नारियल और पूजा का सामान जो होता है, खिल बतासे वगैरह और प्रसाद वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी नहीं लाई हूँ, इसको मैं कल लाऊँगी, क्योंकि यार सारी चीज़ें जल्दीबाजी में हो रहा था, तो कुछ भी मतलब मार्केट में आज इतनी भीड़ थी ना, तो कुछ भी लेने का ऐसा हो रहा था यार भाई, सब जगह भीड़ी, तो मैंने सोचा कल आराम से लूँगी कल, क्योंकि आज थोड़ा मेरा उधर भी काम था, तो मैंने पहले वो वाला काम कम्प्लीट करा, और फिर और अभी मेरा साड़ी ब्लाउज कुछ भी नहीं बना, अभी पता नहीं कल तक बनेगा कि नहीं बनेगा, वो कल ही देखेंगे। और ये था कुछ सामान, तो अभी थोड़ी बहुत ही है मेरा, ये सर वैसे देने के लिए ही लाई हूँ, और अभी इसमें डाल देती हूँ मैं सबको, क्योंकि फिर एक साथ रहेगा ना तो सही रहता, क्योंकि नहीं तो फिर इधर उधर गुम हो जाता सामान, पता ही नहीं चलता। और तो फ्रेंड्स आज के, अब तो क्यों बोल रही सो फ्रेंड्स आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। तू तो माय गॉड, मैं तू तो नहीं छोड़ूंगा।